खरगोन जिला मुख्यालय की कन्याशाला से ज्योति नगर तक फैली गंदगी, कीचड़ और गड्ढों की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों और स्कूली बच्चों ने कीचड़ में बैठकर धरना प्रदर्शन किया और सड़क बनाने की मांग की। इस रास्ते पर प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के सैकड़ों बच्चे रोज निकलते हैं। स्कूल के रास्ते में विद्युत मंडल की डीपी भी स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों और छात्रों की मांग है कि यहाँ पर सड़क बनाई जाए और डीपी को यहाँ से हटाया जाए। विद्युत मंडल की डीपी से यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों को कई बार कर चुके हैं। स्थानीय निवासी यासिर पठान ने कहा कि हमारे द्वारा नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया है, लेकिन हमारी समस्या आज तक नहीं सुलझी है। मजबूर होकर हमें कीचड़ में बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हम सुबह रोज स्कूल के लिए जाते हैं, इतना बड़ा गड्ढा, आराम से पूरी ड्रेस गंदी हो जाती, सबकी लोग गिरते हैं यहाँ पे। सारी स्कूलें तो यहीं से लगती, कोई भी यहाँ पे ठीक नहीं करके आता। वार्ड का वो पार्षद आप बताएं यहाँ से। किस प्रकार की रोज परेशानी उठानी पड़ती? रोज परेशानी उठाना पड़ती, रोज कोई ना कोई गिरता है, पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है। क्या चाहते हो? डीपी का खतरा है, यहाँ रोड बनाई जाइए चाहते हैं। स्कूल के बच्चे यहाँ से डीपी को पकड़ के निकलते हैं, डीपी भी हटवा और यहाँ के डाबरों का कुछ करो, वरना 10-15 बच्चे इकट्ठे मरेंगे किसी दिन, और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। यहाँ पर ये जो कीचड़ चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे मेरे आते हैं, वो भी चल जाते हैं, गाड़ियों से मैडम आती है, उनको भी परेशानी होती है। ये कीचड़ है और पास में ये डीपी लग रही है, इससे भी करंट का खतरा रहता है। क्या बच्चे रोज आते हैं, गिर जाते हैं? आते हैं ना बच्चे, फिसल जाते हैं अभी तक, बहुत कीचड़ है यहाँ पे। इसी प्रकार का कोई हमारा पर्सनल विरोध नहीं है, क्योंकि ये स्कूली छात्र छात्राओं के निकलने का रास्ता है, ये स्कूली छात्र छात्राओं के निकलने का रास्ता है। यहाँ पर कन्याशाला है, 3-4 स्कूलें और हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। यहाँ से जब बच्चे निकलते हैं तो बारिश के अंदर ढेर सारा पानी हो जाता है, और जब बारिश के अंदर जब यहाँ पानी हो जाता है तो बच्चों को मजबूरी के अंदर डीपी के पास से निकलना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले इस डीपी में से आग लगी थी, अगर कोई जनहानि होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? बार बार हम लोगों ने नगर पालिका से आवेदन निवेदन करने के बावजूद भी आज तक यहाँ पर कुछ नहीं होता है। कल पत्रकार बंधुओं ने, हम उनके आभारी हैं, कल पत्रकार बंधुओं ने मुद्दा उठाया तो नगर पालिका यहाँ खानापूर्ति करने आ गई और कीचड़ में मिट्टी मिलाने के लिए आ गई, और हमारी मांग है कि यहाँ पर सड़क बनाई जाए। तो आप यहाँ पर लेट के विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं नगर पालिका? बिल्कुल, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ पर मिट्टी के ऊपर समाधि लेकर बैठेंगे, और हम जब तक नगर पालिका के आला अधिकारी और जिम्मेदार लोग यहाँ पर आकर हमको ठोस कार्रवाई के लिए आश्वस्त नहीं करते, जब तक हम यहीं पर